Good afternoon. There are few words lost in the last video. Today itself, that is 7th of December, right? 7th of December, which is, okay, 7th of December, right? Fine. Now, as I told you, vocabulary, there are five things: spelling, meaning, pronunciation, forms, and usage. And this is what the form is called: 18 past or non-verb adjective. तभी नाउन वर्ब एडिटिव उस चीज को इस चीज को थोड़ा बढ़ा दिए इस चीज को और थोड़ा बढ़ा दिए ठीक है ट्राई टू फॉलो व्हाट आई एम सेइंग इस चीज को जो स्पेलिंग मीनिंग प्रोनाउंसिएशन आप समझे फॉर्म ये है और यूसेज यानी इस्तेमाल करना चाहे मुंह से बोलिए चाहे कलम से लिखिए एक्सपर्ट बनना है आपको अगर बनना है तो ये जो है थोड़ा सा इलाज किए इस चीज को और इलाज किए हैं यहाँ पर ठीक है ये देखिए यहां से आएगा आपको ऐसे ऐसे ये जो आप चीज देख रहे हैं राइट ये चीज को आपको समझाना जरूरी है क्योंकि ये सब चीज से आपको बहुत फायदा होगा बहुत 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 फायदा यू विल कम इमेंस मैंने आप इमेंसली यूजफुल होगा आप लोग के लिए ठीक है एनीवे तो नाउन देख रहे हैं वर्ब देख रहे हैं एडजेक्टिव देख रहे हैं यानी कि एक हुआई एक नंबर तीन हुआई नंबर और पांच नंबर हुआई पांच नंबर राइट इसको समझिए एक ही पांच और नहीं तो नाउन वर्ब एंड एडजेक्टिव सिंपल थ्योरी है अब नाउन वर्ब एंड एडजेक्टिव हम बना लिए इसको हम ऐसे बना लेते हैं इसको भी हम ऐसे बना लेते हैं ये तो है फाइन अब देखिए अगर हम कहते हैं प्रिजर्वेशन अगर हम कहते हैं प्रिजर्वेशन प्रिजर्व करना मतलब बचा के रखना प्रिजर्व योर मनी प्रिजर्व योर एनर्जी प्रिजर्व थिंग्स इंपॉर्टेंट थिंग जो भी जिंदगी में दुनिया में इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको प्रिजर्व करें बचाए प्रिजर्व योर एनर्जी एनर्जी को बचाए शरीर के ताकत को बचाए बहुत ज्यादा फजूल के उछल कूद करेंगे आप थक जाइएगा जो काम का चीज है आप नहीं कर पाइएगा तो प्रिजर्व योर एनर्जी तो वो होता है वर्क वर्क वी वन जितना भी है ना वी वन होगा सब वी वन है वी वन V1 एंड V1 इधर जो भी होगा V1 होगा यहां नहीं देते जाए V1 ठीक है क्लियरली लिख देता कि आप लोगों कोई तरीका समझने में दिक्कत ना हो तो हम कहते हैं प्रिजर्व प्रिजर्व योर एनर्जी एंड प्रिजर्वेशन का भी सेंटेंस बना सकते हैं रेगुलर प्रिजर्वेशन होता है वी ऑल देखिए यहां पर आपको तीनों का सेंटेंस बनाना पड़ेगा अलग अलग से आप एक बना दिए नहीं बनेगा आप इसको बनाते हैं इसको भी बनाइए इसको भी बनाइए प्रिजर्वेटिव हम लोग कहाँ लगाते हैं दवाई दारू खाना पीना बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव रहता है उसमें ताकि ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रहे उसमें एक सेल बाय डेट होता है कि यूज बाय दिस थिंग दिस टाइम उसमें डेट लिखा रहेगा तो प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं खाने में उन सामानों में जिससे जो ज़्यादा दिन तक रहे सुरक्षित रहे आप उसको खा सकते हैं अब प्रिजर्वेटिव नहीं दे रहे हैं तो जल्दी जल्दी सड़ जाएगा खराब हो जाएगा दैट विल रॉट बिल्कुल डिकम्पोज कर जाएगा बर्बाद हो जाएगा उसको बनाने के लिए आप प्रिजर्वेटिव देते हैं उसमें मिला देते हैं तो प्रिजर्वेटिव से उसका लाइफ बढ़ जाता है लाइफ स्पैन इंक्रीजेस उसकी जो जीवन रेखा है उसका दवाई का खाने का वो बढ़ जाता है और प्रिजर्वेशन क्या होता है उसकी नाउन है प्रिजर्व प्रिजर्वेटिव का नाउन है प्रिजर्वेशन उसका बने एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा ये जो भी देख रहे हैं ना ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है 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 कभी कभी दूसरे नाउन भी आ जाए देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ नाउन कभी कभी कॉमन नाउन भी हो जाता है राइट प्रोफेसर प्रोफेसी तो आ जाएगा फिर यहाँ पर कॉमन नाउन हो जाएगा प्रोफेसर प्रोफेसी हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो बड़ा मजा आएगा इसको सीख लें बस आप लोग जंगल झाड़ी में 10 साल 12 साल 14 साल भटकने के बजाय ये कर ले आपको चैलेंज करते सबको मैं आप इंग्लिश जानता हूं आपके जो भी बहुत सारे गुरु बने हुए हैं आजकल जो कोई काम धंधा नहीं हो इंग्लिश के गुरु बने हुए हैं और हमको तो अभी भी आज भी आई माइट बी फीलिंग वेरी बैड अंग्रेजी बहुत कुछ सीखना है 70 साल में भी जो सीखा और भी बहुत कुछ सीखने का है लेकिन जो आधी उम्र का है बैकग्राउंड जो साउंड नहीं है इंग्लिश ठीक से बोल नहीं पा रहा है फिर भी इंग्लिश टीचर बना हुआ है अपने आप को गुरु बोलता है तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट बदकिस्मती की बात है ठीक है
वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। तो आप लोग उन लोगों से बच के रहे, उन्हीं से पढ़े जो ज्यादातर जो एक उम्रदार आदमी है, निश्चित रूप से दुनिया में सीख के ही चला रहे हैं। वो 25 साल का छोकरा और 30 साल का छोकरा अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, 70 साल का इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो आसमान जमीन का तो फर्क होना ही है भाई। कॉमन सेंस साधारण बुद्धि बोलेगा नहीं यार पढ़ा रहे, जरूर कुछ बहुत कुछ किया होगा तभी पढ़ा रहा है। और उस जिंदगी तो आप 14-15 साल तो बचपन में गुजर गए, इतना में क्या सीखेगा, इतने में अंग्रेजी में डंका नहीं बजा सकता तुम राइट। तो आपको देखना पड़ा प्रिजर्वेशन, कोई भी चीज को प्रिजर्वेशन करना चाहिए, क्योंकि करने से क्या होता है कि आपको आप रख दिए बहुत सारा सामान। क्यों कैसे हुआ, हुआ प्रिजर्व करने से हुआ, क्योंकि काम दिए तो उतना बचत आप हुआ राइट, उसका नाउन फॉर्म में हुआ। और ये हो गया एडजेक्टिव फॉर्म में प्रिजर्वेटिव। व्हाट इज द प्रिजर्वेटिव मेडिसिन और व्हाट एवर, कोई भी आप मैंने सब्सटेंस मतलब चीज कौन सा प्रिजर्वेटिव मिलाएंगे ये सुरक्षित हो जाएगा, तो इस तरह का बताया। सेकेंड पे आते हैं कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट एंड कम्युनिकेटिव। तो हम पहले नाउन वर्ब एडजेक्टिव, पहले हम देखें नाउन फिर देंगे वर्ब फिर एडजेक्टिव, सिस्टमेटिक ढंग से चलिए। जैसे कि सीढ़ी, अब थोड़ा देर पहले आपको बताया था सीढ़ी चढ़ना है, तो आप नहीं बोलिएगा कि हमको आज मूड अच्छा नहीं है, हम ऊपर का सीढ़ी पहले चढ़ेंगे, देयर इज नो चांस, नहीं कर सकते। या जब कम कर जाएंगे तो जरूरत ही नहीं इतना सीढ़ी चढ़ने का, आपको वही पहला सीढ़ी में चढ़ना है, दूसरा में चढ़ना है, तीसरा में चढ़ना है, चौथा में चढ़ना है, पंद्रह में चढ़ना है, छठा सातवां आठवां, धीरे धीरे जैसे जैसे आप सीखते चले जाएंगे आपको सीढ़ी आपके कद आपकी बहादुरी आपकी ब्रेन आपकी कॉन्फिडेंस आपकी नॉलेज सब कुछ इसी तरह बढ़ेगा। सीढ़ी का एग्जाम्पल हुआ ठीक है, तो आपको चाहने नहीं जाने से कुछ नहीं होगा, देखिए सिस्टम एक तरीका है, तरीका अपनाइए तो फिर सब काम आसान हो जाएगा। तो हम क्योंकि नाउन लेंगे तो नाउन मेरा पहला काम है। अब इसको हम कहते हैं ऑनेस्टी एंड ऑनेस्ट, हम उलट नहीं दे सकते, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी और ऑनेस्ट मतलब ईमानदार है। यहाँ पर है कि कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट करना काम करना तो V1 है, V1 लिखा हुआ है, और कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्टिव, उसी तरह कम्युनिकेशन कम्युनिकेट एंड कम्युनिकेटिव, सीखने के लिए देखने के लिए उदाहरण के लिए एग्जाम्पल के लिए बहुत तौर तरीका है, बशर्ते आप में धीरज हो कि मैं देखूं तो सही क्या सर पढ़ा रहे हैं। लेकिन आपको भी हम कसूर नहीं दे सकते, आपको भी हम ब्लेम नहीं कर सकते, क्यों इतनी में जंगल हो गया दुनिया में, तो जंगल में ही ज्यादातर बच्चों फंस के रह जा रहे हैं, यही तो सबसे बड़ा दुख की बात है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आजाद वर्ल्ड है आजकल तो सोशल प्लेटफॉर्म में जो मन में आइए डांस दे दीजिए, खाना बनाने का दीजिए, मजाक कर दीजिए, गंदा सा दिखा रहे वो दिखा रही, बच्चे का जिंदगी के बारे में कौन सोचता है, जो भी बच्चे के बारे में थोड़ा सोचता है उसमें भी तरह का जो पॉलिटिक्स है उसमें कुछ भी हो रहा है बना रहे कुछ भी, उसको तो वीडियो से बनाना है, वीडियो ज़्यादा करना है, नाम कमाना है, फिर नाम भी हो सकता है, बच्चों को भी तो देखना है ना। हम अनाप शनाप बन के 72 को 73 को 100 को वीडियो बना दें, आई वीडियो का कोई माने नहीं निकलते, एक वीडियो से किसी को फायदा नहीं होता है, तो वैसा वीडियो प्लीज ना बनाए। हम सबको सबको आग्रह करता हूँ कि इसमें सारे बच्चे लोग हैं जिसके लिए हम लोग सब काम करना चाहिए, हम लोग वी एल्डर्स हम लोग जो सीनियर आदमी हैं बच्चों के लिए ही हम लोग, बाकी जीवन में क्या है, देश अपने बच्चे ना हो देश के बच्चे तो हैं भैया, ये हमारे सारे तमाम बच्चे यहाँ पर भी हैं, हमारे इंडिया के बच्चे हैं, फॉरेन के भी बच्चे होंगे, उसमें तो कोई पार्शियलिटी हो नहीं सकता। आप चार लड़के फॉरेन के होंगे, चार लड़के हिंदुस्तान में होंगे, क्या हिंदुस्तान के लड़के बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, उन लोगों को आप प्यार नहीं करेंगे। आपकी इंसानियत कहता है कि सारे इंसान हैं सबके साथ बराबर का आपको होना चाहिए, बैलेंस मेजर होना चाहिए ठीक है। तो इसका स्पेलिंग देखिए कम्युनिकेशन COMMUNICATION कम्युनिकेशन कम्युनिकेट कम्युनिकेशन कम्युनिकेट COMMUNICATE कम्युनिकेट और कम्युनिकेटिव KATIVE कम्युनिकेटिव। तो हम लोग जैसे कम्युनिकेशन ही वेरी गुड इन कम्युनिकेशन, वार्तालाप में बड़ा अच्छा है, कम्युनिकेट प्लीज कम्युनिकेट विद हिम, टेल हिम व्हेन टू गो, टेल हिम व्हाट टू डू, टेल हिम टू सिट डाउन, डोंट टेल हिम नॉट टू शाउट, आवाज ना करे, शोरगुल ना मचाए, शांति से बैठे, उसको कम्युनिकेट करके बता दो, बता देना। और कम्युनिकेटिव होता है एडजेक्टिव, कम्युनिकेटिव इंग्लिश, कैसा इंग्लिश कम्युनिकेटिव इंग्लिश,
यानी जिससे वार्तालाप किया जा सकता है उसी तरह आपको बोलना पड़ेगा। फिर कहते हैं बिजीनेस, बिजनेस नहीं बिजीनेस। अब बहुत बिजी है तो उसको नाउन में क्या होगा, बिजीनेस। ड्यू टू हिज बिजनेस ही कुडंट डू दैट वर्क, ड्यू टू हिज बिजनेस ही वॉज नॉट एबल टू रीच द एयरपोर्ट इन टाइम। इतना ज्यादा बिज था एयरपोर्ट जाते जाते प्लेन मिस कर गया उसका। ठीक, अच्छा ही सीखना है। दो चार हाउ आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम पुअर, आई एम रिच, ये इंग्लिश नहीं होता है, वो वन टू तक चलेगा। लेकिन आप सीनियर क्लास में जाइएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़िएगा, फॉरेन में जाइएगा और अच्छे अच्छे इंग्लिश बोलिएगा और बड़ा अच्छे लेवल के एमबीए वगैरह करिएगा तो आपके इंग्लिश का स्टैंडर्ड भी वो प्रदर्शित होना चाहिए कि योर इंग्लिश इज वेरी गुड, बेटर देन द अदर। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं बिजनेस का क्या होगा। ड्यू टू हिज बिजनेस ही कुडंट रीच दैट प्लेस इन टाइम। इतना ज्यादा बिजी रहा कि वो समय पे उस जगह पे नहीं जा सका। ठीक है, तो इसको बिजी, इज अ बिजी मैन, बहुत बिजी रहता है हमेशा, इज अ बिजी वर्कर, इज अ बिजी आर्किटेक्ट, इज अ बिजी इंजीनियर, इज अ बिजी डॉक्टर। आप कुछ भी बना सकते हैं, सिंपल तरीके से आप बनाएंगे तो मजा आएगा। ठीक है, उसके बाद है ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। इधर देखिए, इसमें वर्क में कुछ नहीं है, देखिए बिजनेस में भी कुछ नहीं है और इसमें भी कुछ नहीं है। ब्रिलियंस, ब्रिलियंट, ब्रिलियंस, बी आर आई डबल एल आई ए सी, ब्रिलियंस, ब्रिलियंट, बी आर आई डबल एल आई ए एन डी, ब्रिलियंट। ही इज अ ब्रिलियंट गाय, ही इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा मार्क्स लाता है एग्जाम में हमेशा, ही ब्रिंग ब्रिलियंट मार्क्स, वो मार्क्स जो लाता है एकदम कमाल के रूप में है, ब्रिलियंट में कमाल, व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया, क्या अच्छा आपने बताया, ओ माय गॉड आई एम रियली थैंकफुल टू यू, यू हैव गिवन मी अ ब्रिलियंट आइडिया, बड़ा अच्छा आइडिया आपने दिया, मैं ऐसा ही करूँगा। ब्रिलियंस, ड्यू टू दैट ब्रिलियंस ही बिलीव दैट इट इज वेरी गुड टू फॉलो इन हिज लाइफ। तो उसमें उसका नाउन फॉर्म होता है, ब्रिलियंट का नाउन फॉर्म है ब्रिलियंस, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फाइनली डिसेप्शन, डिसीव, डिसेप्टिव, डिसेप्शन होता है चोरी, डकैती, ये सब डिसेप्शन होता है जिसका सजा मिलता है आईपीसी के इस पे, ठगी ये सब होता है 420, ये सब होता है डिसेप्शन, डिसीव करना। तो डिसेप्शन नाउन फॉर्म में होगा डी ई सी ई पी टी आई ओ एन डी, डिसेप्शन। Don't deceive others. Deceive, D-E-C-E-I-V-E. Deceive. Don't deceive others. दूसरे को ठगो नहीं. Simple. Please don't deceive others. दूसरे को ठगो नहीं. And deceptive. अगर deceptive, D-E-C-E-P-T-I-V-E. Deceptive. यानी कि whatever you are saying is a very deceptive idea. ना ना ना. I'm not going to take that. जो तुम बोल रहे हो ये बेईमानी वाला रास्ता है. That's a British deceptive idea. All. डिसेप्टिव, यू नो, जो भी आप करते हैं जिसमें कि आप दूसरे को ठगने की विचार करते हैं तो आप उसको फॉलो ना करें, बिकॉज यू डोंट लाइक टू डिसीव अदर्स, तो डिसेप्टिव आइडियाज को फॉलो नहीं करें। ये हो गया आपके जाके नाउ डिसेप्शन एब्स्ट्रैक्ट, ये हुआ डिसीव वी वन लिख दिए, और ये हुआ डिसेप्टिव यानी कि ठगने वाला आइडिया, डिसेप्टिव आइडिया, कैसा आइडिया, डिसेप्टिव आइडिया। ठीक है, इस चीज को आप थोड़ा सा समझ ले, ई योर स्पेलिंग प्लस मीनिंग प्लस प्रोनाउंसिएशन प्लस फॉर्म, ये फॉर्म्स का छोटा तरीके से फॉर्म, उसी को और थोड़ा इलाज किए तो 5 एग्जाम होगी, यहाँ पर तो 1-2-3 एग्जाम होती है और यहाँ पर मैंने 5 एग्जाम हो दिया, केवल एग्जाम्पल से ही काम चलेगा। आप जब ये वोकैबुलरी करते हैं आपके पास फर्स्ट स्टेप में वोकैबुलरी, सेकेंड स्टेप में ये, और इस पे ये देख लीजिए, और इसको जब करते हैं फाइनली हुआ है, फाइनली यूसेज, आपको यूसेज मतलब प्रिजर्वेशन का सेंटेंस बनाइए, प्रिजर्व का सेंटेंस बनाइए, प्रिजर्वेटिव का सेंटेंस बनाइए, दिस इस्तेमाल, आप इस्तेमाल कीजिएगा, कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कीजिए, कम्युनिकेटिव का इस्तेमाल कीजिए, कम्युनिकेट और कम्युनिकेटिव का इस्तेमाल कीजिए, उसी तरह बिजनेस बिजी, ब्रिलियंस ब्रिलियंट, और डिसेप्शन डिसीव और डिसेप्टिव को कागज कलम लिखे चाहे बोलिए, ये तमाम वर्ड को आप अपने कम्युनिकेटिव इंग्लिश में इस्तेमाल करेंगे, वाह 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 वाह, मजा आ जाएगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे शागिर्दों, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे भाई बंधुओं, जो भी दुनिया के किसी कोने पे आप देख रहे हैं, इसको करें, आपका इंग्लिश
यू विल बी लाफिंग, मजा आ जाएगा. ठीक है, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय टू ऑल ऑफ यू.